साथियों, आप कोई नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं या आपके पास पुराना पीसी है, उसके लिए आप ग्राफिक कार्ड से परचेज करना चाहते हैं, उसमें ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं, नए पीसी में ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा पीसी बनाए गेमिंग पीसी जिसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो सवाल उठता है कि हम कौन सा ग्राफिक कार्ड खरीदें। हमने नया मदरबोर्ड परचेज किया, कौन सा मदरबोर्ड लिया है, उसमें कौन सा ग्राफिक कार्ड लगेगा, या फिर हमारे पास पुराना पीसी रखा हुआ है उसमें कौन सा ग्राफिक कार्ड हम यूज़ करें, कौन सा ग्राफिक कार्ड हमारे लिए सूटेबल रहेगा, क्या क्या हमको उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमारे पास होना चाहिए, ये सारा जिक्र करेंगे इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला आता है कि मदरबोर्ड के अंदर ग्राफिक कार्ड का स्लॉट। देखिए, स्लॉट आपके मदरबोर्ड के अंदर PCI Express X16 स्लॉट होना ज़रूरी है, अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हैं, चाहे आपके पास पुराना मदरबोर्ड हो या फिर नया पीसी बिल्ड कर रहे हो। आप मदरबोर्ड में देखेंगे तो आपके पास कुछ PCI स्लॉट्स होते हैं जिसमें आप उसकी पहचान कर सकते हैं, जो स्लॉट इस तरह का सबसे बड़ा स्लॉट नज़र आएगा वो PCI Express X16 स्लॉट होता है, या फिर आपको नहीं पता है तो आप ऑनलाइन अपने मदरबोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन डाल के सर्च करें कि आपके मदरबोर्ड में कौन कौन से स्लॉट लगे हुए हैं और उनके कौन कौन से वर्ज़न है। क्या वर्ज़न के बारे में भी मैं आपसे जिक्र करूँगा कि वर्ज़न क्या होते हैं और ग्राफिक कार्ड के जो वर्जन होते हैं वो एक दूसरे में सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि PCI Express X16 स्लॉट का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आता है, जैसा कि मैंने बताया था, वर्जन का। आपके पास PCI Express X16 स्लॉट है, आप कोई भी GPU उसमें लगा सकते हैं, कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। वर्जन क्या चीज़ है, देखिए सबसे पुराना वर्जन एक है, फिर वर्जन दो ग्राफिक कार्ड है, फिर वर्जन तीन है, और अभी लेटेस्ट 2020 के चल रहे हैं वर्जन 4 ग्राफिक कार्ड। वर्जन एक का हम जिक्र नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा बहुत पुराना है वो, उस पीसी के तो शायद वो पीसी भी नहीं होंगे किसी के पास। हम चलते हैं वर्जन 2 से, और जो ज़्यादातर मैक्सिमम यूज़ में आता है वो आता है ग्राफिक कार्ड वर्जन 3 का। अब हम सोचें कि हमारे पास वर्जन 2 का मदरबोर्ड है, जो PCI स्लॉट है जो वर्जन 2 है, और उसके अंदर हम ग्राफिक कार्ड यूज़ करें वर्जन 3 का, तो क्या काम करेगा वहाँ पे? देखिए, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, काम भी करेगा, बढ़िया काम करेगा, लेकिन कुछ ड्रॉबैक भी होती है उसके लिए, जो कि आपको बहुत माइनरी देखने को मिलेंगी। आप वर्जन 3 का ग्राफिक कार्ड वर्जन 2 के स्लॉट में डाल देते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि सबसे पहले वर्जन सपोर्ट क्या करता है। जो हमारे ग्राफिक कार्ड हैं, जो फर्स्ट वर्जन का ग्राफिक कार्ड है, उसकी स्पीड होती है 4 GB पर सेकेंड की। वर्जन 2 का उसकी स्पीड होती है 8 GB पर सेकेंड की। वर्जन 3 के ग्राफिक कार्ड की स्पीड होती है 15.7 GB पर सेकेंड, और वर्जन 4 के ग्राफिक कार्ड की स्पीड होती है 31.5 GB पर सेकेंड। ये उनकी एक्चुअल स्पीड होती है अगर उनको सेम वर्जन के स्लॉट में लगाया जाता है। अगर हम उससे लो स्लॉट में लगाते हैं, लो वर्जन में लगाते हैं, तो जब हम गेम खेलते हैं तो जो स्पीड का जो फ़र्क होता है वो एक्चुअल देखने को नहीं मिलता, वो थोड़ा सा डाउन पड़ जाता है। अब मान लीजिए आपके पास ग्राफिक कार्ड है 6 GB का, आप 4K वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप 4K वीडियो चलाते हैं, 4K गेमिंग करते हैं, वो वहाँ पर आपका जो FPS है वो 120 का है, और आप उसको एक पॉइंट कम यानी कि 3 वर्जन का जो ग्राफिक कार्ड है वो आप सेकंड वर्जन में अगर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो उसकी FPS है वो थोड़ा सा गिरा हुआ रेट मिल सकता है कुछ पॉइंट्स, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो इतना महसूस नहीं होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगली ध्यान रखने वाली बात है उसकी PSU की, यानी कि पावर सप्लाई, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं, आपके ग्राफिक कार्ड की जो पावर कंजप्शन है वो कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए। आप NVIDIA का ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं, 2080 Ti यूज़ करेंगे, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो इनके दो वर्जन होते हैं, एक की तो कंजप्शन होती है 250 वाट, एक 260 वाट तक होती है, ये उसकी पावर सप्लाई सिर्फ ग्राफिक कार्ड की कंजप्शन होती है। इसके लिए जो PSU की ज़रूरत पड़ेगी वो होना चाहिए कम से कम 650 वाट। ये यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो इसमें भी लिखा हुआ मिलेगा। यदि आपके पास पुराना CPU है और आपका जो PSU है वो 450 वाट है, तो आप जोटेक का भी GTX 1660 AMD 130 वाट का GPU ग्राफिक कार्ड यूज़ कर सकते हैं अपने पुराने सिस्टम के अंदर।
इस ग्राफिक कार्ड की पावर सप्लाई कंजप्शन 130 वाट है, इसके लिए आपको जिस पीएसयू की जरूरत पड़ेगी वो कम से कम 450 वाट का होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप एक से ज़्यादा ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो उसी हिसाब से, ये मैंने सिंगल का बताया है, यदि आप एक से ज़्यादा ग्राफिक कार्ड यूज़ करते हैं तो हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारी जो पावर सप्लाई है वो कितनी होनी चाहिए, उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप उस वेबसाइट पर जाएँ और अपने सिस्टम की सारी कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे फिल करें कि आपके पास सीपीयू कौन सा है, मदरबोर्ड कौन सा है, आपके पास रैम कितनी यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिक कार्ड्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कितने ग्राफिक कार्ड यूज़ करना चाहते हैं। इस प्रकार से सारी डिटेल्स वहाँ पे फिल करेंगे तो एग्जैक्ट वहाँ पे पावर सप्लाई आपको दिखा देगा कि आपके पीएसयू कितने वाट का लगना चाहिए आपके पीसी में, जितने आप ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ग्राफिक कार्ड्स अलग अलग होते हैं, इनमें पावर सप्लाई अलग से भी देनी पड़ सकती है। इनमें आप देखो ग्राफिक कार्ड के अंदर कहीं पे 6 पिन का एक स्लॉट होता है, कहीं पे 8 पिन का स्लॉट होता है। इनसे पता चलता है कि जहाँ पे 6 पिन का स्लॉट होता है उसके अंदर कम से कम 75 वाट सप्लाई 6 पिन के वाले में लगती है, और 8 पिन का हो एक्सटर्नल पावर सप्लाई उसके अंदर 150 वाट की पावर सप्लाई लगानी पड़ती है। अब ग्राफिक कार्ड खरीदने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है, वो है मेन हमारा कैबिनेट का, आपके कैबिनेट का साइज़ क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है। यदि आपके पास छोटी कैबिनेट है तो आपने उसी हिसाब से ग्राफिक कार्ड परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे ग्राफिक कार्ड के साइज़ अलग अलग होते हैं। छोटे ग्राफिक कार्ड्स भी होते हैं, डबल फैंस के भी होते हैं, ट्रिपल फैंस के, जितनी उनकी कूलिंग होती है उस हिसाब से उनके साइज़ कम या ज़्यादा हो जाते हैं ग्राफिक कार्ड के, और वो आपकी कैबिनेट में फिट बैठता है या नहीं बैठता है। आपने डबल ग्राफिक कार्ड लगाने हैं और एक ही स्लॉट आप किस प्रकार लगाएंगे, कहीं आपके कैबिनेट में ये फिट होगा या नहीं होगा, तो अपनी कैबिनेट को भी देख लें, उसके बाद ग्राफिक कार्ड को चूज करें कि आपको किस साइज़ का ग्राफिक कार्ड लेना है। आखिरी पॉइंट होता है ग्राफिक कार्ड हमारे कंप्यूटर में हमने लगा दिया, सब चीज़ें देख ली, क्या सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, काम करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए मेन होता है उसका बायोस। बायोस दो प्रकार के होते हैं, एक लेजेंसी बायोस होता है और एक UEFI बायोस होता है। अब पुराने सिस्टम देखोगे मैक्सिमम डेल के में सिस्टम में या फिर HP के सिस्टम में या जो पुराने सिस्टम है उनमें लीजेंसी बायोस होता है, जो कि ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वो परफॉर्मेंस हमको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सीमित मात्रा में फंक्शन होते हैं। जबकि आप MSI का या GigaByte का जो भी मदरबोर्ड परचेज करते हैं और लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं उनके अंदर UEFI बायोस मिलेगा आपको, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा तो फीचर्स होते हैं और उसमें हमारे ग्राफिक कार्ड जो भी हम यूज़ करेंगे वो सपोर्ट करेगा। अब आता है कि हम ग्राफिक कार्ड कौन सा लें अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, कि हम 2 GB का लें, 4 GB का लें, 8 GB का ग्राफिक कार्ड्स लें, सस्ता ग्राफिक कार्ड कौन सा आता है जो हमारे बजट के अंदर आ जाए, या फिर अच्छा ग्राफिक कार्ड कौन सा रहेगा, ये सारा भी हम बताएंगे आपको डिटेल से। तो देखते रहिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।